सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम में हमने डिस्कस किया था कि एक कोर डीएनए होता है जो कि हिस्टोन ऑक्टमर के चारों ओर लिपटा हुआ या रैप्ड अराउंड होता है। तो ये जो बॉल लाइक ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये हिस्टोन ऑक्टमर है, और इसके चारों तरफ जो ब्लैक स्ट्रिंग लपेटा हुआ है दैट इज़ द डीएनए व्हिच इज़ द कोर डीएनए। और इस कोर डीएनए का जो लेंथ होता है वो अराउंड 146 बेस पेयर्स होता है। अब दो जो बीड्स हैं, दो ब्लू कलर के जो बीड्स दिख रहे हैं या हिस्टोन ऑक्टमर्स, उनके बीच में जो स्ट्रिंग है जो ब्लैक कलर का स्ट्रिंग ऑफ डीएनए दिख रहा है इससे हम लिंकर डीएनए कहते हैं, और इसका लेंथ होता है अराउंड 60 बेस पेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू बीड्स हैं उस पर ब्लैक कलर के डीएनए लपेटे हुए हैं, तो इस तरह से जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग बन गया ये है हमारा क्रोमैटिन। अब होता क्या है कि क्रोमैटिन की फर्दर पैकेजिंग होनी है इनटू क्रोमोसोम्स, राइट। तो इसके लिए कुछ खास तरह के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इन्हें कहा जाता है NHC या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जो कि क्रोमोसोम में होता है और ये फर्दर कॉइलिंग में हेल्प करते हैं। मतलब ये क्रोमैटिन की फर्दर कॉइलिंग में हेल्प करते हैं ताकि वो आराम से क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है, कॉइलिंग कैसे होती है। तो इसमें कॉइलिंग इस तरह से होती है कि कुछ पार्ट्स जो क्रोमैटिन के होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टाइटली पैक्ड रीजन्स है। ठीक है, इन्हें हम हेटरोक्रोमैटिन कहते हैं, और ये जो पार्ट है ये डार्क स्टेन लेता है। ठीक है, इट स्टेन्स डार्कली एंड इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्रोमैटिन का ये जो हिस्सा है, जो इसमें डीएनए होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरी तरफ कुछ पार्ट्स होते हैं जो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब जो क्रोमैटिन का वो हिस्सा होता है वो थोड़ा खुला खुला सा होता है, इससे हम यू क्रोमैटिन कहते हैं, और ये लाइट स्टेन लेता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए इसी पार्ट में होता है। मतलब ये जो इसके अंदर जो डीएनए होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इनका इन्फॉर्मेशन जो होता है मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है और फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन के अंदर यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच का डिफरेंस, और ख़ास करके लिंकर और कोर डीएनए क्या होता है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लॉग इन टू learn.brigadme.com फॉर चैप्टर वाइज MCQs बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे नीट बायोलॉजी के यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।